नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। मंगलवार को पारिकर ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्होंने इसमें सिर्फ हाथ बटाया है, लेकिन पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का श्रेय भारतीय सेना को जाता है। पारिकर ने कहा कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय को हर देशवासी के साथ बांटने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि यह स्ट्राइक हमारे भारतीय सेना द्वारा की गई है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये स्ट्राइक करने का फैसला लेने और योजना बनाने का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। भूतकाल में हुई किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार करते हुए पारिकर ने कहा कि उनकी जानकारी में कांग्रेस की सरकार के दौरान कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। जिन ऑपरेशन में पहले कार्रवाई की जाती है और बाद में सरकार को सूचित किया जाता है, वे गुप्त ऑपरेशन होते हैं। लेकिन 29 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक केंद्र सरकार के फैसले का नतीजा था। देश और दुनिया के और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।